हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब भी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो गाइस, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि ईश्वर ने आपके रिश्ते के लिए क्या सोचा है, ठीक है, क्या होने वाला है आगे। फिलहाल गाइज, मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर कोई भी कमेंट सेक्शन में आपको मेरी डीपी लगाकर व्हाट्सएप नंबर देकर बोलता है कि व्हाट्सएप करें, ठीक है, सो गाइज वो मैं नहीं हूं, उन लोगों को आप यू नो इग्नोर कीजिए, ठीक है। वो फ्रॉड लोग हैं, आपका पैसा बर्बाद करने के लिए आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं और कुछ नहीं। ओके, सो गाइज, यहां पर आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आप इस रिश्ते आपके रिश्ते के लिए ईश्वर ने क्या सोचा है, ठीक है, आपके कनेक्शन के लिए डिवाइन की क्या मर्जी है, तो देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के रिश्ते के लिए आपने क्या सोचा है, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, क्या सोचा है आपने मेरे व्यूअर्स के रिश्ते के लिए। बहुत सारे कार्ड्स हैं ये। पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, मून। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए आपने मेरे व्यूअर्स के रिश्ते के लिए क्या सोचा है, क्या मर्जी है आपकी। ओके, सो गाइस देखिए, पहले मैं आपको कुछ सिचुएशन बताती हूँ, अगर आपसे सिचुएशन रेजोनेट करे तो आप आगे की रीडिंग जरूर देखिए। ओके, और रीडिंग जरूर देखिए। चलिए पहले मैं आपको सिचुएशन बताती हूँ कि आपके कनेक्शन में आखिर है क्या, ठीक है। पहला कार्ड आया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, देन फोर ऑफ कप्स, देन फोर ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, लवर्स एंड मून। देखिए इस कनेक्शन में क्या हुआ है गाइज, यहां पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन में आप बहुत अच्छे से जा रहे थे। लवर्स का कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे पास्ट में, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा था कि आप दुनिया के सबसे ज्यादा लकी पर्सन हो जिसको ऐसा इंसान मिला है, एंड बहुत खुश थे आप इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ। लवर्स का कार्ड दिखा रहे कि बहुत प्यार आपके मन में इस व्यक्ति के लिए था, एंड सेम वही पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो भी आपसे उतना ही प्यार यहां पर करते थे। हम पास की एनर्जी से चल रहे हैं। लवर्स का कार्ड ये दिखा रहे हैं गाइस कि बहुत खुश थे आप अपने कनेक्शन में, आपको ऐसा लग रहा था कि डिवाइन ने बिना मांगे आपकी बहुत बड़ी ख्वाहिश यहां पर पूरी की है आपको एक ऐसा इंसान देकर, ठीक है। लेकिन गाइज, एक अच्छे प्यार को फिर लग गई लोगों की नजर, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या देख रही हूं कि फिर क्या हुआ गाइज, आप दोनों के कनेक्शन में आ गई कोई थर्ड पार्टी, थ्री ऑफ सॉर्ड्स,
यहाँ पर आप दोनों ही कनेक्शन में आ गया कोई थर्ड पर्सन बीच में, ठीक है। उस थर्ड पर्सन के बीच में आने के पहले गाइज यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन के माइंड से क्लैरिटी जा चुकी थी। टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहे कि इस इंसान के माइंड से पूरी तरीके से क्लैरिटी जा चुकी थी, जो भी आपके पर्सन है पास्ट में, ठीक है। और इसकी वजह से, क्लैरिटी ना होने की वजह से ही आप लोगों के कनेक्शन में यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन बीच में आया। अब ऐसा हुआ क्यों गाइस, ऐसा क्यों हुआ कि कोई थर्ड पर्सन आपके कनेक्शन के बीच में आया? क्योंकि गाइस देखिए, यहाँ पर ना प्यार तो था दोनों के बीच में बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ गाइस कि डिसेप्शन भी था। आप दोनों में से किसी एक के मन में डिसेप्शन भी था। कोई एक था गाइस जो बातों को बहुत ज्यादा छुपा रहा था, जो बातों को क्लियर ही नहीं कर रहा था एक दूसरे के साथ। मतलब आप या तो क्लियर नहीं कर रहे थे अपने पर्सन को बातें, या आपके पर्सन आपको बातें क्लियर नहीं कर रहे थे। मून का कार्ड ये दिखा रहा है गाइस कि प्यार होते हुए भी प्यार तो था पर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, बहुत सारी बातें छुपी हुई थी, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो एक दूसरे के सामने थी ही नहीं। या तो आप अपने पर्सन से कुछ बातें छुपा रहे थे, या आपके पर्सन आपसे कुछ बातें छुपा रहे थे। और यही चीजें जो आपस में कहते हैं ना, लुका छुपी का गेम, ठीक है, आपस में ही आप दोनों ने हाइड एंड सीक खेल लिया ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपने आपस में ही चीजों को क्लियर नहीं किया, आपस में ही आप दोनों ने एक दूसरे से बातें छुपाई, ठीक है। बहुत सारी ऐसा लगता है कि आपने कुछ मास्क लगा के रखे अपने पर्सन को, आपने अपने जिंदगी से रिलेटेड चीजें उनको नहीं बताई, ठीक है, या फिर उन्होंने अपनी जिंदगी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको नहीं बताई, उन्होंने मास्क लगाया हुआ था। लेकिन यहां पर मैं ये देख रही हूँ कि प्यार होते हुए भी बातें यहां पर आप लोगों के बीच में ऐसी थी जो छुपी हुई थी, ठीक है। और इसी छुपी हुई बातों की वजह से आपके पर्सन के माइंड से क्लैरिटी चली गई थी, क्योंकि आप बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रहे थे जैसे आप अपने पर्सन को देख रहे थे अपनी आंखों के सामने। लेकिन हो सकता है कि इनकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें भी थी जो सामने दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड है, यानी कि कुछ बातें ऐसी थी जो आपसे छुपी हुई थी, ठीक है। आप इनको बिल्कुल वैसे ही रिस्पॉन्स कर रहे थे जैसे आप इन्हें सामने देख रहे थे, लेकिन ये चीजों को उस तरीके से सोच रहे थे जैसे इनकी जिंदगी में चल रही थी, यानी कि कुछ बातें ऐसी जो आपको पता नहीं। अगर आपको पता होता तो आप उस तरीके से रिएक्ट करते, लेकिन क्योंकि आपको चीजें पता ही नहीं थी तो आप अलग तरीके से रिएक्ट करते चले गए, और इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर डाउट्स क्रिएट हुए और इसके माइंड से क्लैरिटी छिन गई गाइस, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है गाइस कि आपकी पूरी गलती थी, आप दोनों के बीच में जब कोई बातें यहां पर क्लियर ही नहीं है, छुपी हुई बातें हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान आपसे बातें छुपाए और फिर वो आपसे एक्सपेक्ट करे कि आप उसको समझ लो, ठीक है, आप उसको समझ लो, और आप उसको इतना समझ लो कि वो कुछ छुपा भी रहा है और आपने उस लेवल से उसे समझ भी लिया, और फिर भी आप सही तरीके से रिएक्ट करो। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बातें छुपाई तो आपने यहाँ पर नेगेटिवली रिएक्ट किया अपने पर्सन के सामने, जिसकी वजह से उनके माइंड से क्लैरिटी चली गई थी और आपके कनेक्शन में आ गया कोई थर्ड पर्सन बीच में, और आपके पर्सन कर गए आपसे मूव ऑन, ठीक है। आपके पर्सन कर गए आपसे मूव ऑन, आपके इमोशन से मूव ऑन, आपके फीलिंग्स से मूव ऑन, आपके कनेक्शन से मूव ऑन। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की आपके बीच में जो थर्ड पार्टी है वो उनका खुद का करियर है, इनको ही अपनी लाइफ में राजा बनना था, बहुत पैसा कमाना था, ठीक है। इनका पहला मकसद जिंदगी में आने का पैसा कमाना था, प्रायोरिटी उनकी मनी थी गाइस, ठीक है, इनकी प्रायोरिटी अबंडेंस थी, इनकी प्रायोरिटी मनी, पैसा, रुपया, शौहरत, नाम, दौलत, ये चीजें थी। तो कुछ लोगों के कनेक्शन में, ठीक है, थर्ड पार्टी उन आप ही के पर्सन के आप ही के पर्सन की सोच थी, आप ही के पर्सन का करियर था, आप ही के पर्सन का मैं यहां पर बोल सकती हूँ कि लक्ष्य थे बहुत बड़े बड़े, कुछ बहुत बड़ा अचीव करना था इन्हें अपनी लाइफ में, इसीलिए इन्होंने मूव ऑन किया, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी आई हैं, तो कुछ लोगों के लिए मदर इशू या फिर मतलब मदर इशू, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इस तरीके के भी इशू हो सकते हैं कि थर्ड पर्सन को बीच में ले आए, ठीक है। मदर भी है यहाँ पर प्रेजेंट, तो कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी है गाइस, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने यहाँ पर आपसे मूव ऑन कर लिया। इसके अलावा गाइस आपसे मूव ऑन करके चलेगा, चाहे करियर की वजह से या किसी की वजह से भी। अभी क्या है इस कनेक्शन में, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी ये दिखा रहा है गाइस कि इस इंसान को अब आप लगातार कोशिश कर रहे हो समझाने की, ठीक है। आपने कनेक्शन में पास्ट में भी बहुत कोशिश की है, पास्ट की एनर्जी से ही चले अगर, तो आपने इनको बहुत कोशिश की अपना कप ऑफ लव ऑफर करने की, बट इस इंसान ने थर्ड पार्टी के कप को चूज किया लेकिन उससे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है। उस व्यक्ति को
किसी का भी प्यार इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा है और ना ही पास्ट में लग रहा था, क्योंकि कनेक्शन इमोशंस आपसे कनेक्टेड थे और बाकी कोई भी ऊपर दिखावा करता रहे, ऊपरी दिखावा करता रहे, गाइज वो चीजें फील नहीं होती। जब तक कोई इंसान दिल से आपके लिए फील नहीं करता, आप भी उसके लिए दिल से फील नहीं कर पाते, ठीक है। अगर कोई इंसान आपको दिखावा कर रहा है तो वो एक दिखावा एक समय तक ही कर सकता है, दिखावा आप ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यही नजर आ रहा है फोर ऑफ कप्स की एनर्जी को देखकर कि इंसान ने आपका यहाँ पर प्यार एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब क्या है गाइज, यहाँ पर इस प्यार को एक्सेप्ट ना करने की एक वजह है गाइज फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। क्योंकि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा हो रहे थे, इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी कि आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा ना, क्लैरिटी चली गई थी गाइज। इसका मतलब है कि चीजें बहुत हद तक खराब हो गई थी, आप अपने पर्सन को नहीं समझा पा रहे थे, वो आपको नहीं समझा पा रहे थे, और दोनों के बीच में महान युद्ध हुए हैं यहाँ पर, बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, बहुत ज्यादा फाइटिंग की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन के माइंड से क्लैरिटी चली गई थी, आपके ऊपर से भरोसा हट गया था, ठीक है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर देखिए, दुखी दोनों ही थे, सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहे हैं कि दुखी दोनों ही थे, आज भी दुखी दोनों ही हो, दोनों ही एक दूसरे को लेकर काफी पॉजेसिव हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बातें छुपाई गई, सच नहीं बोले गए, तो चीजें खराब हुई हैं। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ही चले गए थे दोनों, ठीक है, बात ही नहीं करी, तो जब बात ही नहीं करी तो चीजें ही कहाँ से क्लियर होंगी, ठीक है, बात ही नहीं हुई गाइज आप लोगों की। मुझे ये भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है पेज ऑफ सोर्ड्स को देखकर कि आप दोनों एक दूसरे को ऑनलाइन देखते रहे, वो आपको देखते रहे, आप उन्हें देखते रहे, आप उन्हें स्टॉक करते रहे, वो आपको स्टॉक करते रहे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि आगे बढ़कर प्यार भरा कप यहाँ पर ऑफर कर दें, ठीक है। या फिर ये आपके पर्सन है जो आपको स्टॉक करते रहे, लेकिन इन्होंने आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया और खुद भी प्यार यहाँ पर इन्होंने ऑफर नहीं किया। ये मुझे यहाँ से पास्ट की स्टोरी नजर आ रही है, आपकी स्टोरी बड़ी ही अजीब है गाइज। यहाँ पर प्यार होते हुए भी लोगों ने बातें छुपाई और इसी बात छुपाने की वजह से लड़ाई झगड़े हुए, लड़ाई झगड़े की वजह से क्लैरिटी चली गई, आपके पर्सन ने रिजेक्ट कर दिया आपका प्यार यहाँ पर, उसके बाद खुद दुखी, आपको दुखी किया। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मॉम भी हो सकती है कारण, अब वो आपको स्टॉक करते रहे, आप उनको स्टॉक करते रहे सोशल मीडिया पे, आप उन्हें उनका लास्ट सीन देखते रहे, वो आपका लास्ट सीन देखते रहे, अभी भी देख रहे शायद। दोनों में से किसी ने भी कोशिश नहीं करी इस अनकंडीशनल लव को स्टार्ट करने की, न्यू बिगिनिंग करने की। ये आपके पास्ट की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। अब हम गाइज देखने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन ने क्या सोचा है, अब नेक्स्ट क्या होगा इस कनेक्शन में, प्लीज गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, नेक्स्ट क्या होगा प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। हम एक काम करते हैं, ये सारे कार्ड्स को हम हटा देते हैं, ठीक है, फिर हम अच्छे से देखते हैं कि अब डिवाइन ने क्या सोचा। ये तो आपकी स्टोरी को आपने जितना खराब करना था वो कर लिया, अब डिवाइन क्या करेंगे यहाँ पर, हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। पहला कार्ड आया था क्वीन ऑफ कप्स, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, आपकी क्या मर्जी है इनके कनेक्शन के लिए। सेवन ऑफ कप्स, डेविल, थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। ओके, बॉटम से है गाइस नाइन ऑफ कप्स, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, क्या सोचा है आपने इस कनेक्शन के लिए, प्लीज गाइड मी। अथॉरिटी, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, प्लीज एंजल्स आपने क्या सोचा है इस रिश्ते के लिए। थर्ड आई चक्र, अगेन टेम्पटेशन का कार्ड है, अरे रे, इमोशनल विथड्रॉल, न्यू बिगनिंग्स, अवेयरनेस, हार्ट चक्र, पेशेंस एंड डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, एंड बॉटम से है ट्रम्फ एंड सक्सेस। ओ गॉड,
गाइज यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं मैं आपको वही बताऊंगी, ठीक है? कोई भी मैं शुगर कोट नहीं करूंगी, यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं मैं वही बताऊंगी आपको, ठीक है? देखिए ऊपर से क्वीन ऑफ कप्स, देखिए आप प्यार बहुत करते इस व्यक्ति को, ठीक है? पूरी तरीके से क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में भी ना, अब ऐसा है गाइस कि मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी लाइन आपसे स्टार्ट होगी अब, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हो। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए किसी चीज की आने वाले समय में, ठीक है? जहां पर आपके साथ, आपके सामने भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहां पर देखिए आपके कनेक्शन में डेविल का कार्ड निकल कर आया जो दिखा रहा है थर्ड पार्टी यहां पर है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है जो गाइज आपको क्लियर नहीं होने दे रही है, आपको ही नहीं क्लियर होने दे रही है और आपके पर्सन को क्लियर नहीं होने दे रही है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस थर्ड पार्टी को बाहर निकालना, इस नेगेटिविटी को बाहर निकालना, इस डेविल को अपने कनेक्शन से बाहर निकालना। आपको गाइज नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहने की जरूरत है और आपके पर्सन को भी, क्योंकि ये नेगेटिविटी गाइज जो भी आपके आसपास होती है ये आपके माइंड में कंफ्यूजन को क्रिएट करती है और मजबूर करती है कि आप जगल करें, आप जगल करें, आपके पर्सन जगल करें, ठीक है? आप लोगों के कनेक्शन में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी कान भरने वाले लोग हैं, जो भी आपके कनेक्शन को बनने देना नहीं चाहते, ये इस तरीके से करते हैं। ये एनर्जी जिस तरीके से इम्पैक्ट डालती है आपके कनेक्शन को कि प्यार चला जाता है यहाँ कॉर्नर पर और बाकी सारी चीजों का यहाँ पर काम होने लगता है सिवाय आपके प्यार के। सिक्स ऑफ कप्स दिखा रहे हैं कि अगेन आप लोगों के कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जरूरत है इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेने की, इस कनेक्शन के लिए यू नो इस कनेक्शन को सपोर्ट करने की। आप चाहते हैं गाइस तो आपकी विशेष यहाँ पर जरूर पूरी हो सकती हैं, ठीक है? आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आएंगे। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, ठीक है? ये कार्ड्स मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखा रहे हैं कि जो भी आप विश कर रहे हो गाइस वो यहाँ पर जरूर पूरी होगी, आपके पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ रिटर्न जरूर आएंगे, ठीक है? बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर चैरियट का एक्शन लेकर, ये आपके पर्सन आपकी तरफ रिटर्न जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले गाइस बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर है डेविल, ठीक है? यहाँ पर थर्ड पार्टी है कुछ लोगों के कनेक्शन में बहुत, जो मजबूर कर देती है। ये नेगेटिव एनर्जीज गाइस एक ऐसा इम्पैक्ट डालती है आप लोगों के ऊपर कि आपको कंफ्यूज कर देती है, आपको कभी कंफ्यूज कर देती है आपके पर्सन को लेकर, आपके पर्सन को कंफ्यूज कर देती है आपको लेकर, आपको मजबूर करती है जगल करने में, आपकी पर्सन को भी मजबूर करती है जगल करने के लिए, और बहुत ज्यादा यू नो आपके माइंड में इस तरीके से क्रिएट कर देती है, आपको हैक्टिक होने लगता है, एक समय पर आपको हेडेक फील होने लगता है कि मुझे नहीं सोचना, मुझे नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं करना, ठीक है? तो ये नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट आपके कनेक्शन में स्ट्रांग है गाइज। दोबारा से मैंने कार्ड्स निकाले यहाँ पर दूसरे डेक से, ठीक है? दूसरे डेक से भी वही कार्ड आए हैं। एक तो आपके पर्सन का ईगो है गाइज, एक तो आपके पर्सन का ईगो है जो आपके प्यार के बीच में आता है। दूसरा आप लोगों के लिए फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस दिखाई दे कि आप दोनों में से किसी एक की फाइनेंशियल लाइफ अच्छी नहीं है, या तो आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो या आपके पर्सन नहीं है, ये कारण बना हुआ है। उसके अलावा आपके पर्सन की खुद की ही हरकतें, आपके खुद की ही एडिक्शंस, ठीक है, ये भी यहाँ पर कारण है आप लोगों के कनेक्शन के बीच में। आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया, अभी भी आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है? ये सारी चीजें इसीलिए हो रही है गाइस क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज आप लोगों के कनेक्शन पर हावी हैं। आपको इनसे प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है, आपको इस कनेक्शन के लिए प्रे करने की जरूरत है, ठीक है? यहाँ पर देखिए जब सही समय होगा गाइस तो आपका थर्ड आई और हार्ट चक्रा भी यहाँ पर ओपन होगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे ये लग रहा है इस कनेक्शन के लिए कि आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए और पेशेंस यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इस नेगेटिविटी को खत्म सिर्फ यूनिवर्स कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सक्सेस सिर्फ यूनिवर्स दे सकते हैं इस कनेक्शन के लिए। मुझे ये कनेक्शन बहुत यू नो इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि पूरी तरीके से चैलेंज है इस कनेक्शन में। डिवाइन इस कनेक्शन में यूनियन सोचा तो है आपकी विशेष को पूरा करने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको इस तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप हर नेगेटिव एनर्जी से यहाँ पर डील कर पाए और उसको खत्म कर पाए। आपको अपने माइंड से क्लियर होना पड़ेगा। आप बहुत ज्यादा जगल करते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा जगल करते हैं, आपके पर्सन बहुत ज्यादा जगल करते हैं, आप लोग ऑप्शन सामने आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हो, यानी कि आपको यही नहीं समझ में आता है कि मुझे ये पर्टिकुलर पर्सन ही चाहिए। पता चले आपको कुछ हीरा जैसा दिखा दिया या आपके पर्सन को कुछ डायमंड जैसा दिखा दिया तो वो भूल गए कि आपकी वैल्यू क्या है, या आप भूल गए कि आपके पर्सन की वैल्यू क्या है। यानी कि चमक से अगर आप यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी और की तरफ, यानी कि यहाँ पर अभी भी ट्रू लव पूरी तरीके से सामने है नहीं, अभी भी आप लोगों के लिए आपकी डिजायर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी इस कनेक्शन में ऐसा लग रहा है गाइस कि डिवाइन आप लोगों को बहुत ज्यादा
यानी कि टेस्ट कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों एनर्जीज ऐसी लग रही है देख के कि डिवाइन के टेस्ट भी यहाँ पर काफी सारे हैं, और ऊपर से यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है जो ये है कि आप लोगों को यहाँ पर पूरी तरीके से बदला जा रहा है, तो धैर्य तो आपको रखना पड़ेगा। हार्ट चक्र मुझे लगता है आपका या आपके पर्सन का ब्लॉकेज है इस वक्त, आप लोग अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, कनेक्शन को आप देख नहीं पा रहे हो कि कनेक्शन में आप लोगों के बीच में कितना प्यार है। आप सिर्फ वो चीजें देख रहे हो जो आपको 3D में दिखाई दे रही है, आप वो चीजें देख ही नहीं रहे हो जो रियलिटी है, या आप लोगों का जो कनेक्शन, आपका जो सोल कनेक्शन है उसको आप फील ही नहीं कर रहे हो। ये इसलिए क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉकेज है। इसके अलावा गाइज आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो, आप दोनों में से कोई एक है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो उसको लगता है कि वो आपको खुश नहीं रख सकता है, या आपको लगता है आप उसे खुश नहीं रख सकते, तो आप लोग मैनिफेस्ट भी सही से नहीं कर पा रहे हो। बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है गाइस के न्यू बिगनिंग में कारण आपके पर्सन का ईगो भी है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर नेगेटिव है, आप लोगों के कनेक्शन बहुत सारी चीजें यहाँ पर नेगेटिविटी के कार्ड्स निकल कर आए जो क्लियरली दिखा रहे हैं कि ये चीजें जो हो रही हैं, आपका कनेक्शन जो खराब हो रहा है वो आप ही दोनों की कुछ नेगेटिव सोच की वजह से, नेगेटिव हरकतों की वजह से, कुछ नेगेटिविटीज की वजह से, नेगेटिव एनर्जीज की वजह से आपको इनके साथ डील करना पड़ेगा। आपको अपने आप को इतना स्ट्रांग, इतना पॉजिटिव करना पड़ेगा कि आप इन सारी चीजों के साथ डील कर पाओ। उसके बाद यहाँ पर बॉटम के कार्ड्स थे गाइस, उसके बाद यहाँ पर ये बॉटम के कार्ड्स थे, तब जाके आपकी सिचुएशन बैलेंस होगी, तब जाकर यहाँ पर आपकी सारी विशेष पूरी होंगी, तब आपके पर्सन यहाँ पर रिटर्न आएंगे। आपके पर्सन को भी यहाँ पर बदलना पड़ेगा गाइस, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ पर है, चैलेंज है गाइस इस कनेक्शन में बहुत जबरदस्त। ओके सो गाइज ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज।